धीरे धीरे भयंकर रूप नेउछि रुषिया युक्रेन युद्ध। युक्रेन राजधानी कीव दखल सह राष्ट्रपति जेलेंस्की को कब्जा को नेबाक उद्यम जारी रखिछन्ति रुषिय सेनाबाहिनी। सेपटे मारियुपोल एवं खार्किवरे घमाघोट लड़ाई जारी रही। रुषिया सीमा निकट उत्तर खार्किवर किछि अंचल को युक्रेन सेना निज कब्जा को नेइछन्ति। डोनबास रे दुई सेना मध्यरे रॉकेट एवं बोमामाड़ जारी रही। पूर्व युक्रेन को कब्जा को नेबाक रूस पक्षरु नुआ सामरिक नीति प्रस्तुत होइथिया बेले अमेरिका गुइंदा विभाग एने सतर्क कराई दैछि। रुषियार युक्रेन विरोधी युद्ध दीर्घ समय धरी चालिबो एवं मस्को साइबर वार आरंभ करिबार आशंका रहिछि बोली अमेरिका चेताई दैछि। सेपटे रुषिया को चेक देबाक नाटो को शक्तिशाली करा जाउछि। खूब शीघ्र नाटोर सदस्यता ग्रहण करिवे फिनलैंड एवं स्वीडन। नर्डिक रीजन रे नाटोर सामरिक शक्ति वृद्धि एवं अधिक सेना मुतयन पई प्रचेषा चली। पूर्व डेनमार्क एवं नॉर्वे नाटो सदस्य हो सारी। नाटोर शक्ति वृद्धि योजना रे खपा थिबा मस्को युक्रेन विपक्ष युद्ध को अधिक तीव्र करने को निष्पत्ति नेछि। इस वक्त मैं एक बंकर में मौजूद हूं जो कि मोशून के जंगलों में बनाया गया था यूक्रेन की सेना की तरफ से। और देखिए कि ये काफी खतरनाक इलाका है। सेना ने हमें कहा है कि हम एहतियात बरते, यहां पर छोटी छोटी माइंस अभी भी है जिनको डिफ्यूज करने का काम जारी है। ऐसे में बिना किसी चीज को छुए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिये ये बंकर, यहीं पर यूक्रेन के सैनिक रहते थे और ये डब्बे यहाँ पर पड़े हुए हैं। उनके पूरे खाने पीने का सामान यहाँ पर होता था। यहीं से यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना को खदेड़ा है। ऐसे बहुत सारे बंकर यहाँ पर हैं और मैं आपको बताऊं कि बंकर यहाँ पर जो बनाए गए हैं, यहीं पर लड़ाई चली थी, यहीं पर रूस की सेना की तरफ से गोले दागे जा रहे थे जिससे प्रकृति को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। कर्म आप दिखाइए, देखिए ये यहाँ पर पूरी तरीके से ये खेत जल चुके हैं। यहाँ पर आप राख देख सकते हैं, पेड़ों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। आगे अगर हम जाते हैं तो बहुत सारे बंकर हमें नजर आ जाएंगे जहां पर यूक्रेन के सैनिक छिपे हुए थे। और आगे हम बढ़ते हैं क्योंकि खतरा काफी ज्यादा है यहां पर। सेना की तरफ से हमें कहा गया है कि अभी भी माइंस हैं छोटी छोटी, हम आवाजें सुनते रहते हैं जिनको डिफ्यूज करने का काम अभी भी चल रहा है। ये देखिए ये बहुत सारे बंकर हैं जिस पर यूक्रेन के सैनिक छिपे हुए थे। और कहा यह जा सकता है कि इन्हीं जंगलों की वजह से यूक्रेन की सेना लीड कर गई, उन्होंने रूसी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यहीं पर लड़ाई चली थी, यहीं पर गोले दागे गए थे, रूस के सैनिक यहां तक मोशून तक आ पहुंचे थे। काफी लंबी ये लड़ाई चली थी, एक तरह से ये एक्टिव वॉर जोन रहा था जहां पर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया मौजूद है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं खतरा हमारे लिए भी बढ़ रहा है क्योंकि यहां पर आप देखिए कि किसी भी चीज को छूने के लिए भी हमें मना किया गया है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये जहां तक नजर जा रही है बहुत सारे बंकर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे बंकर हैं जहां तक नजर जाती है, कैमरा उस तरफ अगर हम घुमाएंगे, करम आप वहां पे दिखाइए, उस तरफ भी ये बंकर बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरी दिशा में देखते हैं यहां पर भी बंकर बनाए गए हैं। टेल मी अबाउट दिस फॉरेस्ट एरिया वॉर जोन। Да, это укреплялись, укреплялся этот район. Почему? Потому что российские войска заходили со стороны Гостомеля, и Горенко, и Мощун, они как форпост были по направлению к Киеву. То есть это осадное место, в котором происходил весь этот бой за Киев. तो लैंग्वेज का थोड़ा बैरियर है, हम समझने की कोशिश करते हैं इन्होंने क्या कहा। इनका ये कहना है गोस्तोमेल और बूचा के साइड से आर्मी उनकी आ रही थी यहाँ पे, जिस जो हम लोगों ने यहाँ प्लान किया था यहाँ पे रोकने की कोशिश की थी, अगर ये ना होता तो सब कीव में एंटर कर जाते। दिस फॉरेस्ट इज डेंजरस। Да, опасно. Почему? Потому что были кассетные снаряды, было много минометных обстрелов и мины, и снаряды, которые не разорвались. То есть в лесу очень опасно. कह रहे हैं बहुत ही खतरनाक है इसके अंदर, क्योंकि जो कैसेट बम थे, कैसेट बम छोटे छोटे होते हैं, वो आए हुए यहाँ पे, तो उनकी वजह से भी काफी कुछ डिफ्यूज नहीं किए गए हैं जो आए और दगे नहीं। तो देखिए हमने ये एक्टिव वॉर जोन से रिपोर्टिंग की है, काफी ज्यादा खतरा था जो हमने आप तक रिपोर्ट पहुंचाई है। यहाँ पर अभी भी माइंस लगी हुई है, जगह जगह पर बम है जो कभी भी फट सकते हैं। और यहीं से इन्हीं जंगलों से रूसी सेना पर यूक्रेन के सैनिकों ने हमला किया और उसके बाद यूक्रेन के सैनिकों को कामयाबी मिली। अगर सीधी सीधी लड़ाई होती रोड पर और ये जंगल नहीं होते तो यहाँ पर ज्यादा नुकसान होता और रूसी सेना काफी आगे बढ़ जाती। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ जसप्रीत कौर, न्यूज 18 इंडिया।